Allah
फिर भी आने की इजाजत दी हुई अल्लाह हो
कौली फैली इबादत को कबूल फरमा, जो मुसीबतों में उलझे हुए या अल्लाह तू निकालने वाला है और तू हल वाल मुश्किलात है या अल्लाह। तमाम मुसीबतों में उलझे हुए, परेशानियों में घिरे हुए, दर्दों में जकड़े हुए, मुसीबतों में के मारे हुए जितने भी तेरी बारगाह में हाजिर हैं, रब्बुल आलमीन सबको इन मुसीबतों से खुलासी अता फरमा। और जो बीमार है या अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, यहाँ पर दरखास्तें आई और यहाँ मर्द औरतें जवान बुजुर्गों की दरखास्तें आती रहती हैं, अल्लाह तू ही मौती है और तू ही अपने बंदों पर अपनी रहमतों को निछावर करने वाला है, तू ही मुजीबुद्दावात है और तू ही समीउद्दावात है और तू समी अजली है। ऐ पाक परवरदिगार अपने इन बंदों की पुकार सुनकर इन सबको इनकी नेक हाजतें अता फरमा। इन सबको मुश्किलात जो दरपेश हैं अल्लाह, आजमाइश आती भी तेरी बारगाह से है और इसे दूर करना भी तेरी बारगाह से ही मुमकिन है। ऐ पाक परवरदिगार सबको मुसीबतों से आजादी अता फरमा, सबकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो दूर से आए, जो नजदीक से आए, जो सवारी पर आए, जो पैदल आए, जितना इन्होंने नियत के साथ तेरी बारगाह में हाजिरी के लिए इस शर्फ को हासिल किया, इन सबको हर कदम के बदले दर्जों की बुलंदी अता फरमा, गुनाहों की माफी अता फरमा। इलाहुल आलमीन रब्बे कायनात ईमान कामिल अता फरमा, नेक आमाल से मोहब्बत अता फरमा, गुनाह की नफरत हम सबको नसीब फरमा, नेकी की मोहब्बत सबको नसीब फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, इत्तेफाक अता फरमा, अमन आश्ती सुकून नसीब फरमा, अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सारी उजाड़ आए हैं अल्लाह और जिंदगी के कीमती लम्हात गुजर चुके हैं, अब जो बच गए हैं उन्हें अपनी याद से मुनव्वर फरमा दे। और जो मौत तक हमारे पास एक मौका है और मरने के दिन तक जो हमें तूने मोहलत दी हुई है, आज के दिन से लेके मरने के दिन तक हमें रब्बे कायनात तरीकत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जिस तरह तू राजी है उस तरह की जिंदगी अता फरमा। हमारी रातों को पाक फरमा, हमारे दिन को पाक फरमा, हमारी मजलिस को पाक फरमा, हमारी तन्हाई को पाक फरमा और पारसाई का वो मर्तबा अता फरमा जो मजलिस और तन्हाई में जिस तरह इंसान कामिल तन्हाई और महफिल में पाक रहता है, हम सबको भी वही जज्बे अता फरमा। मरते वक्त कलमा नसीब फरमा और मरने के बाद जन्नत में, या अल्लाह जाना बहुत लंबा सफर है, ये सफर बड़ा दूर का सफर है, हम तय नहीं कर सकते। ए रब्बे कायनात तू मेहरबान है, तू करीम है और तू ही साहिब सफर है। ए रब्बे कायनात हमारे लिए बरजख का सफर आसान फरमा दे, कब्र का सफर आसान फरमा दे और उसके बाद हशर में खड़ा होना और उसके बाद पुल सिरात से गुजरना, ये सारे सफर मरियत मुस्तफा में नसीब फरमा और जन्नत में अपने महबूब की रफाकतें अता फरमा। रब्बे कायनात इस मजलिस में आने वाले, लंगर का अहतमाम करने वाले, पकाने वाले, खिलाने वाले और लोगों के आगे सजाने वाले जितने भी खुदाम, जितने भी मुहिब्बीन और जितने भी अकीदतमंद हैं, या अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल और मंजूर फरमा। और यहाँ जो लोग आते हैं और इस लंगर को तनावल करते हैं, इसको उनकी बीमारियों के लिए शफा फरमा दे और इस लंगर को सबके लिए रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुकर्रर फरमा। हम सबको अमन आश्ती मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन उन सब लोगों के लिए दुआ मांगते हैं जो हमारे, कोई हमारा बाप है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, जो अब हम में नहीं है और आलम में बरज़ख में पहुंच चुके हैं, उन सबको बख्शिश अता फरमा, उन सबको माफी अता फरमा, उनके लिए बरज़ख का सफर आसान फरमा। और हमारे मोहतरी मोहतरम हमारे चौधरी ताहिर साहब, इनकी नानी का पिछले दिनों इंतकाल हुआ, बड़ी खूबसूरत दुआएं हुई, आज हम यहाँ फिर दुआ करते हैं, अल्लाह उनको बख्शिश अता फरमा, मगफिरत अता फरमा। और पिछले दिनों नहरी शरीफ के जवार में जो सूबेदार सैयद मोहम्मद साहब हजरत साहब के जो ननियाल से
दूर के रिश्तेदार जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको भी गरी के रहमत फरमा और गुनाहों को माफ फरमा, नेकियां कबूल फरमा। और दुआ करो या अल्लाह हमारे शेख का साया हमारे सरों पर कायम और दायम फरमा, और रब्बुल आलमीन तमाम रुकावटों को दूर फरमा, और ये अजीम साया जो रहमत का साया है, जो मार्फत का साया है, जो इल्म को फैलाने का साया है, जो खानकाई निजाम को औजे सुरैया से हम दोष करने का साया है, इस साये को अहले सुन्नत पर देर तक कायम और दायम फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ذنوبना وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين।